कैसे करते हैं? खामोशी से मैम खामोशी जाए। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। कौन सा प्रोग्राम? बाजीगर जी कौन सा वाला? मुझे क्या नाम है उसका? आपका प्रोग्राम जो बच्चों का प्रोग्राम है। अरे सबको पता, आपको नहीं पता? हाँ मुझे भी पता है। हाँ हाँ हमारा प्रोग्राम। आइए मिलकर सुनते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम छोटी सी दुनिया। छोटी सी दुनिया। तरतीब पेशकश उबैद ताहिर। चलो बाहर निकलना, मैं के सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, मिलकर के सुनना है आपको ये प्रोग्राम जिसका नाम है छोटी सी दुनिया और जिसको लेकर के मैं हाजिर हूँ यानी कि उबैद ताहिर, और आप रहेंगे मेरे साथ पूरे एक घंटे तक। इंशाल्लाह हम करेंगे ढेर सारी बातें और सुनेंगे आपके कारनामे जो कि आपने इस हफ्ते के दौरान अंजाम दिए और जो कि आप प्लान कर रहे हैं, खासतौर पर अगर आपके स्कूल में छुट्टी है तो। तो उसका एहतराम करें, कहीं पे कुरान चल रहा है तो उसका एहतराम करें। अच्छा, मैं जाती तौर पे मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब मैं कभी मार्केट में किसी मार्केट में जाऊं, वहां पे कुरान की तिलावत लगी होती है जो कि मार्केट वाले वालों की तरफ से होती है। तो अब वो बहरहाल उनकी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता, वो तो इसलिए लगाते हैं कि भाई लोग जो हैं वो खरीदारी के दौरान भी उनका ध्यान रहे इस जानिब। लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको ध्यान से हम नहीं सुन सकते हैं तो फिर उसको चलाने की क्या ज़रूरत है। तो जब भी हम इस तरह की कोई भी, चाहे वो कुरान की तिलावत हो या अजान हो या और कोई इस तरह की चीज़ हम लगाते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं दे सकते हैं और जिसका ताल्लुक दीन से मज़हब से हो, तो हमें उसका एहतराम करना चाहिए। और ये बात मैं जनरली सारे मज़ाहिब के एहतराम में कह रहा हूँ कि मज़हबी जो भी चीज़ें होती हैं
उनका एहतराम होना है, होना चाहिए। अलबत्ता हम दूसरे पर हम थोपते नहीं हैं, जो दूसरे किसी मजहब के हैं तो हम उनके ऊपर नहीं थोपते हैं, लेकिन जो अपने उस मजहब के मानने वाले हैं तो उनको चाहिए कि वो जरूर उसका एहतराम करें। तो ये तो हो गई बच्चों आज की अच्छी सी बात, जिसको उम्मीद है कि आप सब याद रखेंगे, और मैं भी कोशिश करता हूं कि मुझे ये चीजें याद रहें। अब नंबर्स मैं आपको याद दिला देता हूं। प्रोग्राम है छोटी सी दुनिया, जिसको आप सुन रहे हैं एफ एम 107 पर उर्दू रेडियो कतर, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सिर्फ और सिर्फ सैटरडे को लाइव, बाकी दिनों में दो मरतबा आप इसको रिपीट भी सुनते हैं। तो अगर आप सैटरडे 4 PM to 5 PM के अलावा किसी और वक्त सुन रहे हैं तो समझ जाइए कि ये रिपीटेड है, लिहाजा उस वक्त हम कॉल्स नहीं ले पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमसे बात करें और इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, तो उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान आप कॉल करें। कॉल के नंबर हैं हमारे वही जो कि हर एक प्रोग्राम में कॉल के लिए होते हैं, यानी कि 4487 4299 और 4487 9833 और 4413 1280। तो बच्चों आपसे गुफ्तगु का सिलसिला आगाज करते हैं, और नंबर मैं आपको बता चुका हूं, मुझे कॉल्स भी नजर आ रही हैं, हमारे दोस्त याद कर रहे हैं हमें, और बगैर किसी ताखीर के हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले किसने हमें याद किया है और किससे हमारी बात होने वाली है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका क्या नाम है? लुबाबा फातिमा। लुबाबा, हाउ आर यू बेटा? आई एम फाइन। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा फाइन और शाइन रखे। अच्छा, तो लेटेस्ट वीडियो कौन सा अपलोड किया है आपने? कन्वर्सेशन यू एंड मी। यू एंड मी कन्वर्सेशन, ओके। तो इस, तो इस, आज तो मेरा वीडियो देखा। मैंने ये वाला तो नहीं देखा, इसीलिए तो आपसे पूछा ना कि ये कौन सा वीडियो आपने अपलोड किया है, ताकि फिर मैं उसको देखूं। कन्वर्सेशन बिटवीन नहीं। ओके, तो ये कन्वर्सेशन किस बारे में है? आप। अच्छा, मेरे बारे में। अच्छा, ये जो कॉल, हाँ ओके, ये जो कॉल जो हमारी होती है, ये वाली आपने अपलोड की है कॉल? या। ओ ये क्या बात है, सो स्वीट ऑफ यू। तो आपने मेरी आवाज भी अपनी आवाज के साथ अपलोड कर दी, गुड। अब तो मैं फ्री में मैं फेमस हो जाऊंगा आपके चैनल से। चलिए ठीक है, तो लुबाबा क्या सुनाने वाली है हमें? नज़्म। नज़्म सुनाइए। मैं जब टूटी थी ना, तब मेरे पापा वो कहा कर मुझे सुना लेते। ओके, सुनाइए, आप हमें सुनाइए। तुम्हें सुकून नजर है, मेरे पापा
माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपने लोरी सुनाई जो बाबा आपको गा के सुनाते सुलाते थे और आपके बाबा के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उनका उनका साया आप पर हमेशा कायम रखे और उनको लंबी और अच्छी और खुशहाल जिंदगी दे और अपनी अमान में रखे आपको भी और पूरी फैमिली को और आपके बाबा को। तो बेटा खुश रहें और ऐसी अच्छी अच्छी बातें हमें बताती रहें और सुनाती रहें। मेरे बाबा को मिस करना है। हाँ आप उनको हमने विश किया ना, मेरे बाबा का बर्थडे है। तो आपके बाबा को मैंने विश किया ना, अभी उनको कहा ना कि उनका जो क्या कहते हैं जन्मदिन। चलो मिल अल्लाह माय बाबा लॉन्ग हेल्थी लाइफ अहेड। आमीन ऑन योर फेस। आमीन आमीन। All wishes and dreams comes true. My Baba is hero, super and best friend forever. MashaAllah. Amin, Amin, Amin. बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त बेटा। और आपके आपके जो है ना बाबा के लिए हम कुछ चला देते हैं थोड़ा सा छोटा सा, ठीक है? बिल्कुल जी, यही हमारी दुआ है कि आप हजारों साल जिए और लुबाबा के सर पर आपका साया शफकत हमेशा कायम रहे और खुश रहें। तो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं छोटी सी दुनिया और इस प्रोग्राम में बच्चे हमें कॉल कर रहे हैं 4487-4299 और 4487-9833 और इसके अलावा 4413-1280। देखते हैं कि अब लुबाबा के बाद किसने हमें याद किया है, कौन है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या नाम है आपका? अरवा बिलाल। कैसी हैं अरवा? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह ताला का शुक्र है। आज तो आप एक कदम पीछे रह गई जी, किसी ने आपसे पहले कॉल कर ली आज हमें, तो आपकी वो जो विनिंग ट्राई कर रही थी मगर मिला नहीं। हाँ, तो आपकी वो जो विनिंग स्ट्रीक थी ना वो थोड़ी सी हॉल्ट पे आ गई, अब आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। ओके चलिए, तो अरवा क्या हो रहा है, क्या कैसा आजकल मौसम तो बड़ा अच्छा हो रहा है ना, बाहर निकले तो बड़ा अच्छा लगता है और फिर कतर नेशनल डे भी आने वाला है जी। तो आपको पता है कतर नेशनल डे कब होता है, कौन सी डेट को? 18 दिसंबर। ओ वाओ, क्या बात है, 18 दिसंबर को होता है कतर का नेशनल डे और कॉर्निश पे होगी परेड। ओ हाँ, आपको नहीं पता? जी पता है। हाँ, तो आपको कैसी लगती है बाय द वे, उसमें कौन सी चीज आपको ज्यादा अच्छी लगती है जो परेड होती है उसमें, जो फाइटर प्लेन्स आते हैं वो, या जो पैराशूटर्स जो जंप करते हैं वो, या जो पानी की जो कश्तियां होती हैं वो, या जो बड़े बड़े तोप और टैंक और ये सब आते हैं वो, या जो पैदल जो मार्च करते हुए जाते हैं फौजी वो, क्या अच्छा लगता है आपको, कभी आपने देखा है? जो स्काई में एरोप्लेन आते हैं। अच्छा, वो आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, वो कतर का फ्लैग बनाते हुए निकल जाते हैं। चले ठीक है, तो अरवा क्या सुनाएंगी आप हमें? आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी सुनाइए, पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسيا صدق الله
बाल अच्छे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह सदकल्लाह अलअज़ीम बहुत खूब। और ये आयतुल कुर्सी जो है एक तो हमें सोने से पहले पढ़नी चाहिए है ना जी। आपको पता है क्यों? बताइए क्यों। इट्स बिकॉज व्हेन यू रिसाइट आयतुल कुर्सी व्हेन यू स्लीपिंग एंड इन अल्लाह सेंड्स एन एंजल टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम शैतान। माशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल यही बात है बिल्कुल यही बात है। और ऐसे भी हम एंड व्हेन यू रीड नमाज व्हेन यू दुआ एंड रिसाइट आयतुल कुर्सी अल्लाह विल क्विकली सेंड यू टू जन्ना। ओ माशाल्लाह बिल्कुल 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 दोनों बातें आपने सही बताई हैं। और ये यही है कि नमाज के बाद जब हम पाबंदी के साथ पढ़ते जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जन्नत में जाना जरा आसान हो जाएगा। तो जन्नत में जाने के लिए और भी कुछ और भी जो चीजें ना उनका भी हमें ख्याल करना पड़ेगा है ना। अच्छे अच्छे काम भी करने पड़ेंगे, किसी को तकलीफ नहीं देनी है और किसी का हक नहीं खाना है, किसी को गाली गलौज नहीं करनी है और सबसे प्यार से रहना है ना। और ये सारे काम भी करने हैं तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद है। तो बहुत जबरदस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल बेशक 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 सही कहा आपने बेटा। और ये बताइए स्कूल का क्या हाल अहवाल है आजकल? गुड सब चीजें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तो छुट्टी हो जानी चाहिए ना आपकी, हॉलीडे अभी तक नहीं हुई? नहीं, रीजन ये है कि बस मौसम इतना अच्छा है बाहर, तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है बाहर घूमें फिरें, छुट्टी मिल जाए आपको। ऐसा नहीं हो रहा पाकिस्तान स्कूल वाला छुट्टी नहीं देते चलिए ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, उनका अपना जो स्केड्यूल है, मैं तो अपने दिल की बात बता रहा था। तो चलिए ठीक है, आप एंजॉय करें अपने स्कूल भी और अपना घर का माहौल भी और बाहर का भी। आजकल मौसम बहुत अच्छा है लेकिन सर्दी अब आहिस्ता आहिस्ता लगती है सुबह शाम, तो थोड़े से गर्म कपड़े भी पहने ठीक है। जब हवा ठंडी हो तो फिर हवा का मुकाबला नहीं करना है, फिर वो उसको थोड़ी सी इज्जत देनी है हमें ऐसा ना हो सर्दी नाराज हो जाए और हमें लग जाए जी। चलिए बेटा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का इंशाल्लाह। अंकल उबैद जी जी, ये हंजला से बात कर ले। अच्छा हंजला से भी बात करनी है, लाइए पकड़ के कहाँ है वो। वालेकुम अस्सलाम हंजला, कैसे हो? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी फाइन हूँ एंड शाइन हूँ। क्या कर रहे थे आप? आई वाज प्लेइंग विद माय बोट। ओके यू वर प्लेइंग विद योर बोट। बोट बोट फाइटिंग बोट। ओके आप वो बोट कह रहे हो ना, वो जिसको हम कश्ती कहते हैं जिसको पानी में चलाते हैं वेटिंग 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 फॉर व्हाट? राइटिंग बोट। राइटिंग राइडिंग बोट। घर में कैसे आप बोट पे राइडिंग कर सकते हो भाई हम जरा सोच रहा होगा अच्छा अच्छा चले ठीक है, अब आपको ज्यादा तंग नहीं करता, क्या सुनाएंगे आप? थ्री का टेबल। टेबल थ्री का, ओके सुनाइए। थ्री वन थ्री, थ्री टू सिक्स, थ्री थ्री नाइन, थ्री फोर ट्वेल्व, थ्री फाइव फिफ्टीन, थ्री सिक्स एटीन, थ्री सेवन ट्वेंटी वन, थ्री एट 34, 39, 37, 310, 30। क्या बात है क्या बात है, जबरदस्त बहुत अच्छे वेरी गुड बेटा। ये तो मुझे भी नहीं आता था टेबल, मेरे सामने तो एक दूसरा टेबल है जिसके ऊपर ये कंप्यूटर और मिक्सर और ये सब कुछ ये रखा हुआ है, इधर टेलीफोन और ये माइक और ये वाला टेबल है मेरे पास। You don't go to school? No.
मैं भी जाता हूँ. मैं जाता हूँ बट ओनली टू पे द फीस. बेटा वो मुझे स्कूल में भगा देते हैं, कहते हैं अब आप बहुत छोटे हो, आपका एडमिशन नहीं हो सकता. You can come to my school. Where is your school? Near my house. Okay, नाम बताएं स्कूल का, फिर हम ट्राई करते हैं. Summit Academy. Academy. New one, the third one. चलो ठीक है, हम जो है ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके स्कूल में एडमिशन हो जाए तो हम आपके साथ पढ़ेंगे बैठ के. I'm in grade 1D. ओके, हम भी उनको बोलेंगे कि हमें ग्रेड 1D में जाना है. तो आप मेरे चार्जेस पे करोगे आप? जी. चलो फिर तो हो गई डील पक्का. नहीं नहीं, बाबा की बात छोड़ो, आपकी और मेरी डील है ये. इट्स ओनली बिटवीन यू एंड मी. ओके चलो फिर डन है, फिर हम आते हैं आपके स्कूल. इंशाल्लाह बेटा. ओके इंशाल्लाह मैं आऊंगा, तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे. ठीक है? ठीक है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. तो जनाब बच्चों की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े ही स्मार्ट और बड़े शाइनिंग बच्चे हैं. बड़ी उम्मीदें हैं मुस्तकबिल में इन बच्चों से, इंशाल्लाह बहुत नाम कमाएंगे और बहुत खिदमत करेंगे लोगों की, इंसानियत की. अल्लाह ताला इनको इस काबिल बनाए. अगली कॉल लेते हैं कि इस वक्त कौन हमारे साथ हैं और क्या हमसे बात करना चाहते हैं. हेलो, अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. आपका क्या नाम है? अहमद अल हुसैनी. अहमद अल हुसैनी, आपने अपना नाम चेंज कर दिया. अहमद, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे. क्या आप कैसे? मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है. तो आपको पता है कतर नेशनल डे कब होता है? जी. कब होता है? 18 दिसंबर. अभी ये दिसंबर ही तो चल रहा है ना, तो 18 दिसंबर को कतर का कौमी दिन होता है, नेशनल डे होता है, और उसको हम सब मिल करके मनाते हैं. कतरी शहरी भी और हम लोग जो यहाँ रहने वाले हैं, हम लोग सब मिल करके उसको सेलिब्रेट करते हैं. और आपको पता है 18 दिसंबर को ही जो फुटबॉल टूर्नामेंट है ना, अमीर फुटबॉल कप, तो अमीरी कप का फाइनल भी है. आप खेलते हैं फुटबॉल? तो बस फिर आपका फाइनल भी 18 दिसंबर को है. ठीक है? ठीक है. चलो आज क्या सुनाएंगे आप मुझे? नसीब सराइकी. सराइकी में आज सुनाएंगे. चलिए सुनाइए. उरहबरहिन जमाने दे खुदा नू बहु प्यारे हिन उरहबरहिन जमाने दे खुदा नू बहु प्यारे हिन साहबा मदनी दया सारे हिन वफदा सारे मदनी दया सारे हिन वफदा सारे मुहम्मद दी गुलामी दा अगर साथी फिकट चांदी मुहम्मद दी गुलामी दा अगर साथी फिकट चांदी अखीनू बंद करके मन साहबा सब सितारे हिन उरा बरहिन जमाने दे खुदा नू बहु प्यारे हिन उरा बरहिन जमाने दे खुदा नू बहु प्यारे हिन साहबा मदनी दे आसारे हिन वफदा सारे मदनी दे आसारे हिन वफदा सारे जेदी बेटी नबी दे गर खिलाफत विच पिला नंबर जिदी बेटी नबी दे गर खिलाफत विच पिला नंबर सिदी ककबर तेनू छड़ के सिदी ककबर तेनू छड़ के खसारे ही खसारे इन उरहबर ही
जानू बहू प्यारे हिंदू और अबर हिंदू जमाने दे खुदा नू बहू प्यारे हिंदू साहबा मदनी दे यार सारे हिंदू फदासा मदनी दे यार सारे हिंदू फदासा रमी दे फरिश्ते बोले खुदा खुदा रिश्ते बोले दे फरिश्ते बोले खुदा खुद अर्श ते बोले उमर तेरी ये गल्लाते उमर तेरी ये गल्लाते कुरान दे विच इशारे उरा बर इन जमाने दे खुदा नू बहू प्यारे हिन उरा बर इन जमाने दे खुदा नू प्यारे इंसाबा मदनी दयाद सारे हिन्दू फदा सारे मदनी दयाद सारे हिन्दू फदा सारे साहबा साहबा माशाल्लाह बहुत खूब बहुत जबरदस्त भाई और आपका कमाल है कि आप हमें जो हैं वो उर्दू में भी सुनाते हैं अरबी में भी सुनाते हैं पंजाबी में भी सुनाते हैं सराइकी में भी आज सुना दी आपने एक दिन आपने हिंदी की पोएम भी सुनाई थी तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत सारी जबानें अभी से आप सीख रहे हैं और उसमें आप याद कर रहे हैं ये नातें और नज़में और तराने अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे बेटा और इसी तरह से करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा ठीक है ओके बेटा बहुत शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज़ तो कितनी खूबसूरत बात है ना कि मुख्तलिफ ज़बानें आप उनकी जो जिस चीज में भी आपको शौक हो जो भी आप उसमें याद कर सकते हो पढ़ सकते हो वो आपका बच्चा अभी से याद करे बचपन में याद की हुई चीजें हमेशा याद रहती हैं ये तो हम जानते हैं और ये सिलसिला जो है वो मैं चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब अपने बच्चों को इस तरफ लाएं बड़ी अच्छी आदत है ये हेलो अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी आपका क्या नाम है आयशा 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 कैसी हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप ग्रेड 3 और कौन सा स्कूल है नोबल इंटरनेशनल स्कूल आजकल छुट्टी है या जाते हैं स्कूल छुट्टी है चलें फिर तो मजे करें तो घर पे क्या करती हैं होमवर्क करते हैं और कुछ खेलते होंगे थोड़ा बहुत हाँ तो हमें क्या सुनाने वाली हैं आज हमें सूरा सुनाने वाली है अच्छा कौन सी सूरा है सूरतुल बैना सुनाइए पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كثر من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه كيا هوا كهان گئی अरे चलिए बहुत अच्छा आपने पढ़ा और हमें अफसोस है कि लाइन आपकी ड्रॉप हो गई लेकिन बहरहाल हमने तो ड्रॉप नहीं की तो अब क्या किया जा सकता है खैर जितनी आयत हमने सुनी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी तरह से हमें सुनाई और हमें अच्छा लगा सुन करके आयशा इंशाल्लाह फिर आपसे आइंदा बात होगी दिल छोटा मत कीजिएगा ये टेक्निकल चीज़ें हैं तो आपके यहाँ से कुछ मसला होगा हाथ लग गया होगा मोबाइल पर या कुछ जो भी हुआ हो चलिए अगली कॉल ले लेते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो और एक और बच्चे से हम बात करें और देखें कि कौन है हमारे साथ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी क्या नाम है आपका आप सोचिए
मैं सोचूं जी चलो मैं सोचता हूं फिर क्या सोचूं सोचना क्या है मुझे कि मेरा नाम क्या है अच्छा चलिए मैं सोचता हूं मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या है मेरा नाम क्या है मेरा नाम उबैद है नहीं कॉलर का नाम क्या है तो ये तो कॉलर को पता होगा ना मेरे पास तो एक ही कॉलर है जो मेरी गर्दन के आसपास है जो मेरी मेरी जैकेट का कॉलर है मुझे उसका पता है बस नहीं मतलब जिस आप किससे बात कर रहे हैं अभी जो आप जिससे आप बात कर रहे हैं उसका नाम आपने मुझे बताना है कि मेरा नाम क्या है अच्छा क्यों आपके अभी आप माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई हैं तो अभी तक आपको किसी ने बताया नहीं आपका क्या नाम है नहीं मुझे नहीं पता अपना मेरा नाम आपको आज बताएं तब मुझे पता हो जाएगा कि मेरा नाम क्या है ये तो कोई बात नहीं हुई आप स्कूल जाती हैं इतनी सारी क्लासेस आपने पढ़नी इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़नी इतने सारे आर्टिकल लिख लिए इतनी सारी पोएम्स लिख ली इतने सारा पता नहीं क्या क्या कर लिया तो किसी ने नाम ही नहीं बताया आपको चलिए अगर आप ये कहें तो आपको पता है कि मैं कौन हूँ अरे तो यहाँ आपको दोहा में सिर्फ मैं ही तो नहीं सुन रहा ना पूरा दोहा सुन रहा है बल्कि अब तो हमें इंटरनेशनली सुना जाता है तो उन सबको तो नहीं पता ना कि आपका क्या नाम है मेरा नाम आलिया है आलिया मजहर खान शुक्र है आपको नाम याद आ गया मैं तो अब परेशान हो गया था मैंने कहा भाई बच्ची अपना नाम ही भूल गई चलिए आलिया तो क्या हाल चाल है आपके अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं फिट फाट बताइएगा कि कतर नेशनल डे तो करीब आता जा रहा है जी तो आपको पता है क्यों मनाते हैं ये नेशनल डे क्योंकि शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी ने कतर को की ट्राइब्स को उसी दिन पर जोड़ा था क्या बात है वाह वाह बिल्कुल जी तो ये जो थे शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी रहमतुल्लाह अलैह तो वो उनकी बड़ी खसूसियात हैं आपको पता है वो जो शेख जो थे जो यहाँ के जो उस वक्त के जो हाकिम या अमीर थे तो वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर मतलब ये कि सियासत में ही थे यानी कि गवर्नमेंट के हेड नहीं थे बल्कि वो साथ साथ आलिम भी थे हाफिज भी थे मुफ्ती भी थे और हाकिम भी थे यानी कि हाँ बड़े पढ़े लिखे और बड़े माशाल्लाह दीनदार और बड़े तकवे वाले और बड़े बहादुर तो उनके जमाने में जो कतर है ना जिसकी जो अभी जो कतर का जो ज्योग्राफी जो चारों तरफ से हमें पता है ना कि इसके बॉर्डर्स कहाँ से मिलते हैं कहाँ तक है तो ये पूरी जो आउटलाइन बनी थी इस कंट्री की तो ये उनके दौर में उन्होंने बनाई थी और उनके दौर में फिर जो है ना वो एक मुस्तकिल एक ये हमारा स्टेट बना कतर का और इसकी पूरी जो बाउंड्रीज हैं वो सेट हो गई और उनको सब ने तस्लीम कर लिया और पूरे जो ट्राइब्स थे उनको वो साथ लेकर के आए तो 18 दिसंबर 1878 को वो जो है हुकूमत उन्होंने ली थी मतलब वो उन्होंने अपने वालिद साहब के बाद हुकूमत संभाली थी तो उस दिन की याद में क्योंकि उनके ही दौर में कतर को एक शनाख्त मिली थी तो उनके उस दिन की याद में ये दिन मनाया जाता है क्योंकि वहीं से कतर एक नेशन के तौर पर दुनिया ने उसको माना था तो इसीलिए नेशनल डे होता है ठीक है ना चलिए जबरदस्त क्या सुनाएंगी आप मुझे आज मैं आपको एक अकबर और बीरबल की स्टोरी सुनाऊंगी मैं तो पहले से हंस रहा हूँ चलिए सुनाइए If anyone saw him the first thing in the morning, then the whole day would be full of bad luck. One morning, Akbar woke up earlier than usual. Seeing no one around, Akbar called out, "Is anyone there?" Gulshan was working just outside the room, but he did not dare to go in front of Akbar because he knew that people considered him unlucky. Mm-hmm. He did not want Akbar to see his face the first thing in the morning. Akbar shouted and sent the other servants in. As he was getting ready, a servant came and said, "My lord, Prince Khurram is very ill. He is crying and asking for you." Akbar rushed to see Khurram.
After some time, the royal doctor said, Your Highness, the prince is better now. His fever has come down. There is no need to worry. Just then, a servant came and said, Your Highness, it is very late and you have not eaten breakfast. Please come and eat first. As Akbar sat to eat, a messenger came running and said, The ambassador from Burma has been waiting for you since morning. Akbar said, All right, I'm coming. Akbar spent time discussing important matters with him. Later, as Akbar prayed farewell to the ambassador, one of his ministers came and whispered in his ear, Your Majesty, I have bad news. There is a rebellion against you. Akbar said, Quickly go and call the commander of the army of that area. It was a very serious matter, and they kept planning till late that evening. Akbar was very tired and hungry. Akbar ordered for food to be laid, and as he sat down to eat, he got a severe pain in his stomach. The royal doctor was summoned. The doctor examined Akbar and gave him some bitter medicines to swallow. He then said, My lord, kindly do not eat for 2 or 3 hours. Akbar suddenly thought, What a bad day. Could this be because I had seen an unlucky man collision in the morning? A man like him should not. Next day, Akbar announced in his court, I order Gulshan to be put to death. Neighbor felt very bad and that a man was being put to death just because he was considered unlucky. Neighbor went straight to Akbar and said, Your Majesty, please do not punish Gulshan. He has committed no crime. Akbar said, Gulshan is an unlucky man for everyone. I myself suffered yesterday when I saw his face in the morning. That such men should not live. Beagle said, If you permit, I would like to ask him some questions. Akbar agreed and ordered for Gulshan to be summoned to the court. A scared Gulshan walked in and quietly stood in the corner. Birbal said, Gulshan, yesterday whose face did you see first? Gulshan said politely, I saw the emperor's face, my lord. Are you sure? Birbal asked. Gulshan replied, Yes, my lord. Birbal turned towards Akbar and said, Your Majesty, do you believe that seeing Gulshan's face the first thing is in the morning brought you bad luck, isn't it? Akbar just nodded. Birbal said, What if Gulshan says that seeing your face brought him bad luck because he has to die now? Birbal felt ashamed of himself and Akbar felt ashamed of himself and said, You're right, Birbal, I was wrong. You have saved me from the sin of sentencing an innocent man to death. Akbar apologized to Gulshan and announced that Gulshan would no longer be considered unlucky. Gulshan fell at Birbal's feet and thanked him for saving his life. जबरदस्त भाई जबरदस्त बिल्कुल 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 और वैसे भी ये जो लोग कहते हैं कि किसी को देखना जो है वो फलां को देखना अब शगुन होता है और पता नहीं क्या होता है तो ये चीजें बिल्कुल गलत हैं किसी को काली बिल्ली से डर लगता है किसी को पता नहीं जूता उल्टा अगर हो निकलते हुए तो उससे कुछ हो जाता है किसी पता नहीं क्या अजीब अजीब खुराफात हैं तो किसी के देखने से कुछ नहीं होता है वही होता है जो आपके नसीब में वैसे भी होना होता है और इसलिए इन सब चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए और देखें बीरबल ने अपनी जहानत से उस मासूम आदमी की जान बचा ली चलिए आलिया जबरदस्त बहुत अच्छी कहानी सुनाई आपने बहुत शुक्रिया बेटा आपकी कॉल का शुक्रिया अल्लाह हाफिज छोटी सी दुनिया जो के एफएम 107 खतर उर्दू रेडियो से पेश किया जा रहा है और हर सैटरडे को शाम 4 बजे से 5 बजे के दौरान आप सुनते हैं इस प्रोग्राम में उबैद ताहिर को अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों के साथ जो कि लाइव हमें कॉल करते हैं और इस वक्त भी उन्हीं दोस्तों में से एक वेट कर रहे हैं कि कब मैं कहूं हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह जी आपका क्या नाम है मेरा नाम फैजा साले बिन इरफान है फायजा ठीक ठाक हैं आप अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक आपकी दुआ से तो बताइएगा कतर नेशनल डे कब होता है 18 दिसंबर को होता है कतर नेशनल डे जी बिल्कुल बिल्कुल और आपको पता है ना कि अभी अमीर कौन है यहाँ के कतर के अमीर हाँ जी कौन है शेख तमीम बिन हमद अल थानी माशाल्लाह बिल्कुल जी बिल्कुल अल्लाह ताला उनको सलामत रखे शेख तमीम बिन हमद अल थानी हैं अमीर और जो फाउंडर हैं कतर के
شیخ جاسم بن محمد آل ثانی تو ان کے حکومت کی اور جس دن انہوں نے حکومت سنبھالی تھی اس دن کی یاد میں قطر نیشنل ڈے منایا جاتا ہے کیونکہ انہی کی حکومت میں قطر کو ایز اے نیشن دنیا نے تسلیم کیا تھا ٹھیک ہے اچھا کیا سنائیں گی آپ مجھے آج میں آپ کو تین ریڈلز پوچھوں گی ٹھیک ہے بیٹا پوچھئے Which odd number you can convert into an even number? Which odd number? Okay. Even. 7. हाँ जी क्योंकि जब अपन s को निकाल देते हैं वो even बन जाता है. ये तालियां मेरे लिए. अपनी तारीफ को. वैसे मैं आपको बताऊं फायजा To be honest, ये मुझसे किसी ने ना पूछा था एक दो प्रोग्राम पहले इसलिए मुझे याद था अदरवाइज मुझे क्या पता और What belongs to you but other people use it more than you? It's Faiza. हाँ जी अरे वाह एक बार फिर से तालियां मेरे लिए अच्छा ये भी मैं आपको ईमानदारी से बताऊं कि ये भी मुझे इसी प्रोग्राम में बच्चों ने बताया था प्रोग्राम में मुझे बच्चे सब बता देते हैं अच्छा थर्ड क्या है इफ यू ऐड टू लेटर्स मोर टू द वर्ड इट बिकम मोर शॉर्टर हां ये वाला मुझे किसी हां ये मुझे किसी ने बताया नहीं तो इसलिए ये मैं बता भी नहीं पाऊंगा तो टू वर्ड्स किसी वर्ड में लगाते हैं तो वो शॉर्टर बन जाता है हां जी तो मतलब जैसे एस एच ओ आर टी शॉर्ट योगेश शॉर्ट उसके बाद टू वर्ड्स ई आर शॉर्टर तो यही है ना हां सेम है अरे वाह 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 यार मैं तो इंटेलिजेंट हो गया ये तो मतलब कमाल ही हो गया पहली दफा मैंने किसी बच्चे को ना पूरे जवाब दे दिए आपने पूरे टीम को रिडल सही आंसर दिया है हां ना वही है ना ये कमाल ही हो गया आज मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ अच्छा उसमें भी ईमानदारी से वो जो पहले जो दो रिडल्स थे ना वो तो मुझे बच्चों ने ही बताए थे इस प्रोग्राम में लास्ट वाला जो है वो आपकी मदद से मेरी समझ में आ गया क्योंकि आपने दो दफा शॉर्टर शॉर्टर कहा ना तो मुझे लगा यही है अच्छा फायजा जबरदस्त बेटा बहुत मजा आया आपकी इन रिडल्स में और ये बताइए छुट्टियां हैं कि स्कूल है कि एग्जाम है कि क्या है मैं ये अभी छुट्टियां चल रही है दिसंबर 3rd से छुट्टियां थे मेरे अरे वाह तो मतलब खूब एंजॉय कर रही हैं अभी हम लोग कॉलेज में घूम रहे हैं हम लोग तो वहाँ पर कुछ रिहर्सल हो रही है परेड वगैरह की कुछ हो रहा है नहीं सिर्फ अभी वो लाइटिंग वो लगे हैं अच्छा अच्छा फ्लैग हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल लेकिन मौसम तो बहुत अच्छा है ना एंजॉय कर रही हैं आप हाँ जी चलिए ठीक है बेटा तो अपना ख्याल रखिएगा अगर हवा आपसे बात करना चाहते हैं अच्छा फटाफट करवा दीजिए अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम बेटा क्या हाल है आपके अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह आपको हमेशा अच्छा रखे क्या नाम है आपका मेरा नाम फरीहा है जी फौजिया क्या सुनाएंगी हमें फरीहा सुनाइए لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ما شاء الله ما شاء الله زبردست زبردست بہت اچھے ہوتا بہت زبردست تو آپ انجوائے کریں کارنش پہ اور پروگرام بھی سنتے رہیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی نیکسٹ سیٹرڈے کو ٹھیک ہے اوکے میرا بیٹا اللہ حافظ اللہ حافظ تو یہ دونوں بہنیں ہیں کارنش پہ ماشاءاللہ سے گھوم رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں اور موسم کا لطف لے رہی ہیں بڑی اچھی بات ہے موسم جو ہے وہ واقعتاً اوسم ہے اور اس میں صرف ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے پیرنٹس کو بچوں کو بھی کہ جب ہوا ٹھنڈی ہو جائے تو اس کے لیے انتظام ذرا کر کے نکلنا ہے گھر سے تاکہ پریشانی نہ ہو این ٹائم پہ اور بچوں کو سردی نہ لگ جائے اس لیے کہ ہمیں سردی سے بھی بچ کے رہنا ہے بالکل ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے سامعین دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو سن رہے ہیں آپ چھوٹی سی دنیا اور اس پروگرام میں کچھ ہی وقت اب باقی ہے جس میں کہ ہم کچھ اور اپنے دوستوں سے بات کرنا چاہیں گے اور آپ سن رہے ہیں اس پروگرام کو ایف ایم 107 پر
और FM 107 पर ये प्रोग्राम براہ راست पेश किया जाता है हर सैटरडे को और कोई दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं लेकिन उनसे बात हो नहीं पा रही कनेक्ट नहीं हो पा रहा है चलिए खैर कोई बात नहीं है नहीं हो पा रहा है तो फिर से ट्राई कर लेते हैं एक ट्राई और करते हैं अल्लाह करे कि इस दफा हमारी बात हो जाए हेलो 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 नहीं जी हमारी बात नहीं हो पाई खैर कोई बात नहीं है तो हम भी इतने जो हमारे जो दोस्त जो इतनी मेहनत से हमें कॉल करते हैं हमें उनका बड़ा ख्याल रहता है और हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी तरह से करके हम उनसे बात कर सकें हेलो वालेकुम सलाम भाई क्या हो गया आप बड़ी मुश्किल से आपकी आवाज़ पहुंची हम तक क्या नाम है आपका अब्दुल्ला अब्दुल्ला ठीक ठाक हैं आप फिट हैं जी ठीक हूँ अल्लाह आपको हमेशा ठीक रखे क्या सुनाएंगे आप हमें मैं आज आपको कतर के बारे में बताऊंगा अरे वाह जरूर बताइए कतर 18 दिसंबर को बना था उसके उसके सबसे पहले जो था जो बादशाह थे वो शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी थे वो और वो जो कतर कतर को बनाने के लिए जो जो लड़ाई लड़ी गई थी उसका था उसका नाम था क्या नाम था अल वजबा बैटल ठीक चलिए तो अल वजबा बैटल में क्या हुआ था उसके अंदर शेख जासिम ने लड़े थे और वो फिर जीत गए थे लड़ाई चलिए सही है तो ठीक है बेटा बहुत जबरदस्त और इसका हम ये जो आपने जो तारीख बताई है इसमें बहरहाल कुछ बातें हम और भी बता रहे हैं कि मतलब शेख जासिम बिन मोहम्मद अल थानी जो हैं वो पहले अमीर नहीं थे लेकिन ये है कि उन्होंने कतर को जमा किया था सबसे पहले क्योंकि अलग अलग थे ना ट्राइब थे ये तो अलग अलग थे चलिए बेटा बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का इंशाल्लाह फिर आपसे हमारी बात होगी और इंशाल्लाह फिर आपसे इस मौजू पे भी और लंबी चौड़ी जितनी भी हमारी गुफ्तगू होगी वो हम करेंगे तो अब आखिर में देखते हैं कि कौन है हमारे साथ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कौन है हमारे साथ उबैद काजी तमीम उबैद काजी ओ ये तो मेरा अपना बच्चा है कैसे हो बेटा आप ठीक हो आप कहाँ हो इस वक्त इस वक्त होटल में है और बार बहुत अच्छा लग रहा है हाँ और समुंदर दिख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है बस मेरे ब्रदर सिस्टर नहीं है बेटा कोई बात नहीं मैं अपने सुनने वालों को एक्चुअली बता दूं कि तमीम जो है वो अपनी अम्मी के साथ क्वारंटीन में है होटल में है ये लोग अभी आए हैं सफर से तो जाहिर है कि हम लोग बाहर हैं और ये इसलिए भी आप सबके लिए जानना जरूरी है कि कानून सबके लिए एक जैसा होता है और मैंडेटरी होता है तो बहुत सारे लोग उनके जहन में ये चीज खासतौर पर मेरे हवाले से आ जाती है कि भाई इसकी चीजें तो वास्ते से हो जाती होंगी और ये और वो ऐसा नहीं है देखिए मेरा बच्चा खुद ये छोटा सा ये इस वक्त होटल में है क्वारंटीन में है और मैं इससे मिल नहीं सकता और ये भी सफर से आया है तो बेटा कोई बात नहीं कुछ दिन की बात है आप तो स्ट्रांग बॉय हो यू आर स्ट्रांग राइट यस यू आर वेरी स्ट्रांग यू आर माई प्रिंस तमीम है ना तो कतर में बस दो ही तमीम है एक तो हमारे जो पूरे कतर के प्रिंस हैं और एक जो आप मेरे घर के प्रिंस हो तो आप स्ट्रांग रहो बेटा बस दो तीन दिन की बात है फिर इंशाल्लाह घर आ जाओगे ठीक है ठीक है चलो अपना ख्याल रखना और अपनी मम्मा का भी ख्याल रखना ठीक ओके बेटा अल्लाह हाफिज तो ये तमीम साहब और ये भी मैं आपको बता दूं कि कॉल उन्होंने की थी मैंने नहीं की है ये बताने में बड़ा जरूरी होता है लोग पता नहीं क्या क्या जहन में चीजें पाल रखते हैं जो कि गलत होती हैं अब यह है कि हमारे प्रोग्राम के वक्त भी अब खत्म हुआ चाहता है और अब कुछ ही देर में आपसे इजाजत लेनी है बल्कि अब इजाजत लेने का टाइम आ ही गया अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे हर परेशानी से दूर रखे और जितने भी लोग
जो इस कोरोना की वजह से एक दूसरे से बिछड़ गए, दूर हो गए और परेशानियों का शिकार हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे और सबको अपनी अमान में रखे। तो ये दुआ आप सबके लिए है और आप सब भी ये दुआ सबके लिए कीजिए, पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला निजात दे। प्रोग्राम छोटी सी दुनिया का आज का हलका यहीं पर तमाम होता है इस आखिरी इमोशनल कॉल के साथ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट सैटरडे को, और तब तक इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमीम भी घर आ चुका होगा और आप सबके प्यारे भी जो आपसे दूर हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द उनसे मिलाए। तो इसी दुआ के साथ छोटी सी दुनिया से उबैद ताहिर को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।